तो आज का हम अपना सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा आज का सेशन का जो विषय है वो है भांग, एक आयुर्वेदीय औषधि। अब सबको ये नाम बहुत ही अजीब सा लगता होगा सुनने में कि हम भांग के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। तो हम शुरू इसी चीज से करते हैं कि भांग को हम बहुत गलत तरीके से आज की डेट में सुनते हैं और उसे एक्सेप्ट करते हैं। हमें ऐसा समझाया भी जाता है और हम कई सालों से ये मानते भी आए हैं कि भांग सिर्फ नशे की चीज है, जबकि अगर हम अपने ही देश के इतिहास में जाकर देखें तो भांग सिर्फ एक नशे की चीज नहीं है। अगर हम और ज्यादा हम अपने कल्चर के साथ में भी इसको जोड़ने की कोशिश करें तो एज अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस भांग हमारे देश के कई स्टेट्स में यूज किया जाता है एज जनरल फूड। जैसे अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, हिमाचल एंड ऑल इन स्टेट्स की बात करते हैं, वहाँ पर ट्रेडिशन है भांग की चटनी खाने का। और अगर हम ऐसे ही यूपी एमपी की बेल्ट में जाते हैं वहाँ भी हमें भांग बहुत इजीली अवेलेबल मिलता है। ये वहाँ जंगली पौधे की तरह भी ग्रो करता है और बहुत लोकलाइट्स हैं जो उसे अलग अलग तरीकों से यूज करते हैं, सिर्फ नशे के लिए ही नहीं, बहुत अलग तरह चीजों से इसकी बहुत वेरी डिशेस बनाई जाती हैं और भी इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। अब अगर हम बात करें आयुर्वेद की तो आयुर्वेद में भांग एक ऐसा पौधा है जिसे विजया कहा जाता है। विजया मीन्स हर चीज पे विजय पाने वाला। इसके बहुत सारे यूजेस हैं। इसका सबसे बड़ा जो मेजर एक एस्पेक्ट है वो ये भी है कि आयुर्वेद में 190 से ज्यादा ऐसी मेडिसिन्स हैं, ऐसी औषधियां हैं जिनका भांग एक पार्ट है। पार्ट इन द सेंस बहुत अलग तरीकों से यूज होता है। कुछ चीजों में हम खाली भांग का रस यूज करते हैं अपनी मेडिसिन्स की पोटेंसी को बढ़ाने के लिए, कुछ चीजों में डायरेक्ट इसके पत्ते यूज किए जाते हैं और कई जगह पर अलग अलग फॉर्मुलेशंस में, अलग अलग कॉम्पोजिशंस में और अलग अलग पार्ट्स में इसको यूज करते हैं। यानी कि कुछ मेडिसिन्स में इसकी ज्यादा क्वांटिटी यूज की जाती है, कुछ में कम की जाती है। ऐसे बहुत सारे डिजीजेस हैं जिसमें हम भांग का यूज करते हैं। भांग में एक तरीका होता है इसको इस्तेमाल करने का, ये आयुर्वेद में उपविष की कैटेगरी में आता है। उपविष यानी कि जिसमें थोड़ी सी टॉक्सिसिटी पाई जाती है। इसको डायरेक्टली हम अपनी मेडिसिन्स में यूज नहीं करते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं इसका शोधन करने के, यानी कि इसको प्यूरिफाई करने के। हम पहले इसका प्यूरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद इसे मेडिसिन्स में यूज करते हैं और इसके सिर्फ पत्तों को हम यूज करते हैं। अगर हम इसके नशे के एस्पेक्ट की बात करें जिसमें चरस, गांजा ये सब चीजें आती हैं, ये बनाई जाती हैं भांग के फूल से और इसकी जो नई कोपल होती है जिसे बड्स कहते हैं, फ्लावर्स और बड्स, इनको यूज करके चरस और गांजा इस तरह की नशे की चीजें बनती हैं। और ये भी कहीं ना कहीं यूज होती हैं ट्रीटमेंट के पार्ट के लिए। यहाँ मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि नशा करना अच्छी बात है, लेकिन इसको अगर हम ट्रीटमेंट के एस्पेक्ट से देखें तो एक कंट्रोल्ड डोज में, और अगर आप इसे एक फिजिशियन की, एक डॉक्टर की, आयुर्वेदिक वैद्य की गाइडेंस के अंडर ले रहे हैं तो ये आपके बहुत सारे डिजीजेज हैं जिनको क्योर करने के काम आएगा। ऐसी टोटल 29 डिजीज कंडीशंस हैं, 29 ऐसी बीमारियां हैं या कंडीशंस हैं जिसमें भांग की मेडिसिंस का हम यूज करते हैं। जैसे हम आजकल IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बहुत ज्यादा सुनते हैं कि लोगों में बहुत ज्यादा डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, खाना पचता नहीं है, उन सब चीजों में हम इसकी कुछ मेडिसिंस का बहुत यूज करते हैं। मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है और कुछ ऐसे बहुत टिपिकल फीवर्स होते हैं जो किसी भी तरह के ट्रीटमेंट से क्योर नहीं होते हैं, उसमें भी हम इन मेडिसिंस का बहुत यूज करते हैं। देन हम इसे स्प्रू की कंडीशन में यूज करते हैं, यानी कि जब बॉडी में कुछ भी चीज डाइजेस्ट नहीं होती है, लूज मोशंस खत्म नहीं होते, उनमें यूज करते हैं। बहुत स्वेलिंग की कंडीशन में यूज करते हैं। ऐसे स्किन डिजीजेस हैं जिनमें हम इसे यूज करते हैं। देन न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में इसका बहुत अच्छा यूज है, फॉर एग्जाम्पल पेन मैनेजमेंट, एपिलेप्सी मैनेजमेंट, इस तरह के कई न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस हैं जिसमें कंट्रोल्ड डोसेज के फॉर्म में और ओरल मेडिसिंस के फॉर्म में हम इसका यूज करते हैं। इसके अलावा किडनी डिजीजेस में, स्पेशली जो कोलिक पेन, रीनल कोलिक पेन है, उसके मैनेजमेंट में बहुत अच्छा इसका यूज होता है और इसकी बहुत सारी ऐसी फॉर्मुलेशंस हैं जो बनाई जाती हैं। अगर आप सबके इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। हम थोड़ी देर में, जैसे क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी आती है साथ के साथ, आई वुड बी टेकिंग ऑल योर क्वेश्चंस।
और अगर हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं, भांग एक ऐसा प्लांट है जिसका कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम इसके पत्ते से लेकर इसकी जो जड़ें हैं, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, उन सबका अपना अपना एक अलग यूज होता है। सिर्फ एडिबल ही यूज नहीं होता है, इसके जो सीड्स हैं उनका न्यूट्रिशनल यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। आजकल हेम्प बेस्ड बहुत प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। हेम्प इज नथिंग बट दिस प्लांट ओनली। इसको हम मॉडर्न मेडिसिन की भाषा में बोलें तो दिस इज नोन एज कैनबिस सटाइवा। कैनबिस इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी बहुत पॉपुलर है, स्पेशली कंट्रीज लाइक US, यूरोप। यहाँ पर इसका मेडिसिनल यूज बहुत ज्यादा होता है। मैं खुद भी एक मेडिकल कैनबिस प्रैक्टिशनर हूँ दिल्ली में, एंड इसके हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आयुर्वेद में तो हमारे पास इसकी टैबलेट्स बनती हैं, देन हम इसे चूर्ण के फॉर्म में भी यूज करते हैं, और इसका स्मोक के फॉर्म में यूज करते हैं, यानी कि जो नाक से सूंघने वाली मेडिसिन्स होती हैं, जिसको हम बर्न करके उसका जो स्मोक होता है उसको इनहेल करते हैं, उससे भी बहुत सारी डिजीजेस का क्योर होता है। स्पेशली एस्थमा, ब्रोंकियल एस्थमा या एलर्जिक एस्थमा में इसका हम बहुत यूज करते हैं। देन इसके कुछ पर्टिकुलर फॉर्मुलेशंस बनते हैं डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस में, जिसे CBD ऑयल भी कहा जाता है। आजकल CBD ऑयल बहुत फेमस है रिक्रिएशनल यूज के लिए भी और मेडिसिनल यूज के लिए भी। एज अ डॉक्टर, मैं CBD ऑयल या कैनबिस ऑयल का सिर्फ 100% मेडिकल यूज ही रेकमेंड भी करती हूँ और उसे फेवर भी करती हूँ। हम अगर हमारे देश की हिस्ट्री में देखें तो भांग को हम भगवान शिव से डायरेक्टली जोड़ते हैं। हम शिवरात्रि पे भी भांग लेने की बहुत प्रथा है हमारे देश में, उसे अलग अलग फॉर्म में हम लेते हैं। भांग की गोलियां ली जाती हैं और भांग पीने के लिए भी यूज करते हैं। अब उसका अगर हम डोज डिफाइन नहीं करते हैं तो उससे नशा होता है। अदरवाइज अगर जनरली आप डिफरेंट हर्ब्स के साथ में और कुछ जड़ी बूटियों के साथ में भांग की गोली बनाकर अगर हम यूज करते हैं, एक डॉक्टर की निगरानी में अगर हम उसे लेते हैं, तो उसका पेन मैनेजमेंट में बहुत अच्छा रोल है आपका। आजकल हम कैंसर्स में इसको बहुत यूज कर रहे हैं, सिर्फ कैंसर को क्योर करने के लिए भी नहीं, उससे प्रिवेंशन के लिए भी हम बहुत अच्छा इसका यूज करते हैं। बिकॉज इसमें जो CBD होता है, यानी कि कैनाबिडियोल्स जो होते हैं, जो इसका डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशंस हैं, अगर हम मॉडर्न मेडिसिन की भाषा में इसको समझने की कोशिश करें, उनका एंटी इंफ्लेमेटरी यूज बहुत अच्छा है। यानी कि वो हमारी बॉडी में इंफ्लेमेटरी प्रोसेस जो है उसको कंट्रोल करता है। इंफ्लेमेटरी प्रोसेस क्या होता है? इंफ्लेमेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक सिस्टम है जो बॉडी का नेचुरल प्रोसेस भी है और डिजीज इंड्यूस्ड प्रोसेस भी है। जहां जहां पर भी इंफ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट होता है, वहां पर किसी ना किसी फॉर्म में डिजीज डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। CBD जो है, ये भांग के पौधे के हर पार्ट में मिलता है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होती हैं। जब हम इसका यूज करते हैं, इसके जो ऑयल बनते हैं, जो इसके लीव्स का एक्सट्रैक्ट होता है, जिसे हम विजया ऑयल के फॉर्म में यूज करते हैं, उसमें डिफरेंट परसेंटेज की तरह इसको यूज किया जाता है। कभी भी 100% विजया का ऑयल हम यूज नहीं करते हैं। जो भी हमें डिजीज को टारगेट करना है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन बनाते हैं। जैसे 18% विजया या 12% विजया, उसको डाइल्यूट किया जाता है डिफरेंट बेस ऑयल्स में। बेस ऑयल कुड बी मोस्टली जो बेस ऑयल यूज होता है वो कोकोनट ऑयल है, उसको न्यूट्रलाइज भी करने का काम करता है और इजीली एक्सेप्टेबल भी है। देन जो भांग के बीज होते हैं, जिन्हें हम हेम्प सीड्स कहते हैं, हेम्प सीड्स के ऑयल में भी इसका यूज किया जाता है। हेम्प सीड्स अपने आप में एक बहुत पोटेंट न्यूट्रिशनल पार्ट है इस प्लांट का, जिसमें बहुत हाई लेवल में प्रोटीन पाया जाता है। हमारे ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं हमारे ब्रेन फंक्शंस के लिए, कार्डियक फंक्शंस के लिए, ऑल्सो जॉइंट्स में ल्यूब्रिकेशन बनाने के लिए। यानी कि जो हमारे आर्थराइटिस डिफरेंट फॉर्म्स के जब डेवलप हो जाते हैं एक एज के बाद, जो हमारे जॉइंट्स हैं वो अपना ल्यूब्रिकेशन उनमें नेचुरली कम होने लगता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हेम्प सीड ऑयल बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। इसके साथ में इसको हम ऑयल के साथ अलग अलग फॉर्म्स में भी यूज कर सकते हैं। जैसे इसके सीड्स का हम पाउडर बनाकर उसे भी न्यूट्रिशन में यूज करते हैं। एंड हेम्प ऑयल अपने आप में काफी चीजों में यूज करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल,
लोकल एप्लीकेशन के लिए हम उसे यूज करते हैं डिफरेंट स्किन कंडीशंस में, जैसे सोरियासिस है, इग्जीमा है, देन एटोपिक डर्मेटाइटिस है, स्कैल्प कंडीशंस होती हैं इन्फ्लेमेटरी स्कैल्प कंडीशंस जैसे कि सेबरिक डर्मेटाइटिस, जिसमें बहुत थिक स्केल्स बन जाते हैं स्कैल्प पे, जिन्हें कई बार डैंड्रफ भी समझकर इग्नोर किया जाता है। उन कंडीशंस में हम इसके ऑयल का लोकल एप्लीकेशन में यूज करते हैं, विच इज वेरी गुड एंड वेरी पोटेंट। इसका बहुत जल्दी हमें रिजल्ट मिलता है, और अगर हम इसे बाकी मेडिसिन के साथ कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलता है हमें। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट अबाउट हेम्प न्यूट्रिशन एस्पेक्ट इज दैट कि ये वीगन प्रोटीन्स का बहुत अच्छा सोर्स है। हम आज की डेट में देखते हैं कि ग्लोबली बहुत सारे लोग वीगन टर्न होते जा रहे हैं, यानी कि वो किसी भी तरह का एनिमल सोर्स अपने फूड में यूज नहीं करते हैं। इवन पीपल डोंट टेक मिल्क बिकॉज इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इट्स सोर्स फ्रॉम एन एनिमल। सो उनके लिए जो डेफिशिएंसीज होती हैं, लाइक नेचुरल कैल्शियम डेफिशिएंसीज एंड नेचुरल विटामिन बी डेफिशिएंसीज, उन सबको कवर अप करने के लिए दिस इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ नेचुरल प्रोटीन एंड नेचुरल माइक्रो मिनरल्स एंड मैक्रो मिनरल्स, दोनों का ये बहुत अच्छा सोर्स है। नाउ इफ वी कम बैक टू द कैनबिस पार्ट, जो विजया यानी कि भांग के जो लीव्स का पार्ट है, अगर वापस हम उसके बारे में बात करें तो उसको हम कई तरह से अपनी मेडिसिन्स में यूज करते हैं। जैसे उसके डिफरेंट फॉर्म्स आती हैं कंजम्पशन की, जो ऑफ कोर्स हमको एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही यूज करनी चाहिए, क्योंकि ये आपको जहाँ भी मिलेंगी एज अ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन ही मिलेंगी। इसको हम ऑयल के फॉर्म में देते हैं, टिंक्चर्स के फॉर्म में देते हैं, और इंडिया के बाहर देखें तो बहुत अलग अलग फॉर्म्स में यूज किया जाता है ये। बट इंडिया में जो हम इसे यूज करते हैं वो कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स ही यूज करते हैं। एंड आयुर्वेद में हम इसे बिल्कुल जो हमारे वेद और पुराणों का काल है तब से हमें इसके प्रूफ मिलते हैं इसके यूज होने के। जैसा थोड़ी देर पहले अभी मैंने बताया कि इसकी टोटल 190 फॉर्मुलेशंस अवेलेबल हैं, जिसमें इसे डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस में यूज किया जाता है। सेम वेज हम डिजीज कंडीशन के हिसाब से इसे यूज करते हैं। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हम इसका यूज कर सकते हैं। एंड जिस चीज पे आज हम फोकस करके जो मैं बात करना चाहती हूँ वो ये है कि हमें इसके जो मेडिकल पार्ट है उसको बहुत ज्यादा एक्सेप्ट करना चाहिए, बिकॉज ये जो प्लांट है दिस इज इंडिजिनस इंडियन प्लांट। ये हमारे देश की जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसका एक बहुत डीप रूटेड प्लांट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अगर हम अपने शास्त्रों की बात करें तो उसमें ऐसे पांच सबसे ज्यादा पूजनीय ऐसे प्लांट्स रखे गए हैं, जिनमें से एक नाम भांग का आता है। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप फिर से, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उन क्वेश्चंस के आंसर्स जरूर मैं करूंगी इसमें। अगर आपके पास कुछ क्वेरीज हैं या कुछ और आप जानना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में डालिए। ऑलराइट, अब इसमें और डिफरेंट फॉर्म्स में हमें ये मिलता है। आजकल बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, ब्रांड्स हैं जो इसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में बात करती है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये भी है कि ये बहुत सस्टेनेबल है। अगर इसको हम कहीं पर ग्रो करते हैं, विच इज़ अगेन ये गवर्नमेंट का पार्ट है ग्रो करना, हम पर्सनली इसे कहीं ग्रो नहीं कर सकते, बट अगर इसे ग्रो किया जाता है तो इसका इसमें वाटर बहुत कम यूज होता है। देन इसका जो हेम्प से जो फाइबर निकलता है, जैसे हम कॉटन का फाइबर निकालते हैं, कॉटन के हम कपड़े यूज करते हैं, उसी तरह से हेम्प का जो प्लांट है उसका भी फाइबर बनता है। और वो जो फाइबर है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक सस्टेनेबल क्लोथिंग के फॉर्म में, क्योंकि वो बहुत स्किन फ्रेंडली भी है एंड उससे किसी भी तरह के स्किन में एलर्जिक इन्फेक्शन या रैशेज इस तरह के नहीं होते हैं। इस पर काफी सारी साइंटिफिक स्टडीज भी हैं आज की डेट में हमारे पास। ऑल्सो अगर हम इसका जो ऑयल है वो यूज करते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर कंपोनेंट होता है जिसे हम THC कहते हैं। उसके रेशो के अकॉर्डिंगली इसे डेवलप किया जाता है। जो भी इसके फॉर्मुलेशंस होते हैं दे आर हाईली साइंटिफिक फॉर्मुलेशंस। उसको THC के साथ जब हम बैलेंस आउट करके इसको फॉर्मुलेट करते हैं तो इसकी टॉक्सिसिटी भी बहुत कम होती है,
और इसका जो साइकोटिक एस्पेक्ट है, साइकोसिस जेनरेट करने का एक एस्पेक्ट है जिसमें वी ऑल से कि भांग से नशा होता है, एंड जो लोग सीबीडी को भी नशे के लिए यूज करते हैं दैट इज बिकॉज वो उस टाइप का सीबीडी यूज कर रहे हैं जिसमें टीएचसी बहुत ज्यादा है, दैट इज वाई वो साइकोसिस क्योर करने की जगह साइकोसिस को इंड्यूस करने का कई बार काम करता है। ये चीज हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होती है जब भी हम इसका प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि ये एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन बनाई गई है। ऑल्सो अगर हम इसके न्यूट्रिशनल पार्ट की एक बार फिर से बात करें तो ये बच्चों के लिए भी बहुत सेफ है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एडल्ट न्यूट्रिशन का पार्ट है। इसको हम बच्चे, टीनेजर्स, देन इवन ओल्ड एज पीपल जिनका थोड़ा डाइजेशन वीक होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटीन्स डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उनको भी हम हेम्प प्रोटीन दे सकते हैं, हेम्प को एज अ पार्ट ऑफ देयर न्यूट्रिशन ऐड कर सकते हैं बिकॉज नंबर वन दिस इज नेचुरल, देन ये प्लांट सोर्स प्रोटीन है इसीलिए ये इसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है। बायो अवेलेबिलिटी मीन्स जो भी चीज हम खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, वो हमारी बॉडी में कितना अब्जॉर्ब हो रहा है और कितना वो वेस्ट हो रहा है। इसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, ये बॉडी में बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है। इसके साथ में दिस इज नॉट एट ऑल हैवी टू डाइजेस्ट, तो किसी भी एज ग्रुप में और डिजीज कंडीशन में इसे हम यूज कर सकते हैं। स्पेशली हेम्प ऑयल के बारे में और इस तरह की बहुत रिसर्चेज हैं हमारे पास विच सेज दैट इट इज वेरी गुड फॉर कार्डियक कंडीशंस। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल हायर साइड पे है एंड इफ दे यूज दिस ऑयल इंस्टेड ऑफ अदर ऑयल्स, एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू एड ऑन है कि ये कुकिंग के लिए नहीं बना है, इसमें वॉलेटाइल ऑयल्स होते हैं इसीलिए इसे कुक नहीं किया जाता, बट आप इसे खाने के ऊपर एज अ ड्रेसिंग यूज कर सकते हैं, लाइक सैलड ड्रेसिंग, या फिर आप कुछ भी अगर कुक किया है आपने, दाल सब्जी या फिर खिचड़ी दलिया, उन सब में आप इसको ऊपर से ऐड कर सकते हैं ऑयल को भी। और जो हेम्प के सीड्स होते हैं यानी कि जो भांग के बीज होते हैं, उसमें से हेम्प हार्ट्स एक मटेरियल निकलता है विच इज लाइक अ नट, नट्स की तरह होता है ये, उसको भी हम यूज करते हैं फॉर न्यूट्रिशन पर्पस ओनली, वो भी बहुत हेल्दी फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन में आता है। उसमें बहुत अच्छे तरह से आपको मैग्नीशियम, पोटेशियम, इस तरह के जो माइक्रो मिनरल्स, मैक्रो मिनरल्स बहुत अच्छे से मिलते हैं। एंड अगर आपको ओमेगा फैटी एसिड्स के बारे में पता है, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है ओमेगा 3 के कैप्सूल्स या ओमेगा फैटी एसिड्स के एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स लेना, सो हेयर आई वुड लाइक टू एड ऑन कि ओमेगा फैटी एसिड्स में एक गोल्डन रेशियो माना जाता है विच इज रेशियो ऑफ ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, 3:1 का जो रेशियो है विच इज गोल्डन रेशियो, जो बहुत हेल्दी होता है। नेचुरली अकरिंग प्लांट बेस्ड ओमेगा फैटी एसिड्स के सोर्सेज में हेम्प इज द बेस्ट सोर्स, क्योंकि उसमें नेचुरली ये गोल्डन रेशियो में हमें 3:1 की रेशियो में ओमेगा फैटी एसिड्स मिलते हैं। सेम वेज अगर हम विजया की लीव्स की यानी कि भांग के पत्तों की अगर हम फिर से एक बार बात करें, उसको जिस तरह से हम यूज करते हैं उसमें, अगर आयुर्वेद में हम जैसे यूज करते हैं, इफ वी फॉरगेट अबाउट उसका जो सीबीडी पार्ट है, अगर हम उसको थोड़ा साइड पे रख के जैसे हम अपने कल्चर में ट्रेडिशनली जिस तरह से हम उसे यूज करते आए हैं आयुर्वेद में, हम उसे कभी भी डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, इसीलिए उसकी टॉक्सिसिटी जीरो होती है, उसमें देर इज ऑलमोस्ट जीरो स्टिग्मा अटैच्ड टू दिस प्लांट। जो स्टिग्मा बनाया गया है वो बेसिकली एक फॉरेन एलिमेंट है, जैसा हमें पता है कि हमारी कंट्री में जब ब्रिटिशर्स का इन्वेजन हुआ तो उन्होंने हमारे देश से ऐसी बहुत सारी चीजें, जो बहुत सारी हमारे इंडिजिनस ऐसी चीजें थी जो बहुत फेमस भी थी और बहुत इम्पोर्टेंट थी, बहुत यूजफुल थी, उन सबको उन्होंने धीरे धीरे खत्म किया, हमारी हिस्ट्री से हटाया, सो दैट उनका बिजनेस ज्यादा बढ़े, उनके पास ज्यादा इकोनॉमी रहे और हमारा देश और नीचे ही जाए और उनके अंडर रहे, एज व्हाट टू से एज स्लेवरी सिस्टम ही चलता रहे। इसीलिए दिस प्लांट इज ऑल्सो वन ऑफ दैट रीजन्स जिसकी वजह से इसके साथ ये एक बहुत बड़ा टैबू अटैच्ड है कि भांग इज ओनली चरस एंड गांजा,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम नशे की बात करते हैं तो हमारे पास ऐसी और भी बहुत सारी कन्वेंशनल मेडिकल सिस्टम में भी ऐसी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं। मैं डायरेक्टली आई वुड नॉट लाइक टू नेम देम, बट ऑफ कोर्स हम सबको पता है ऐसी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जिनसे बहुत नशा होता है। और सिर्फ अगर हम ड्रग अब्यूज की या मेडिसिन्स की या किसी भी फॉर एग्जाम्पल चीज़ के मिसयूज की बात करें, और किसी भी चीज़ को अगर हम विदाउट सुपरविजन ले रहे हैं तो उसका मिसयूज और अब्यूज दोनों ही हो सकता है। एंड सेम इज द केस विद कैनबिस और भांग विजया। सो दिस वॉज ऑल डन बाय द ब्रिटिश इन्वेडर्स, जिसकी वजह से हमारी हिस्ट्री में हमें ये पता ही नहीं है कि इस प्लांट के क्या क्या यूजेस हैं। एंड आयुर्वेद में वी नो बिकॉज हमने इस चीज के बारे में पढ़ा है, इस प्लांट की पूरी हिस्ट्री के बारे में हमने अपनी संहिताओं में, वेदों में, ग्रंथों में, इन सब चीजों को हमने पढ़ा है। सो नाउ वी नो कि ये कितना इम्पोर्टेंट प्लांट है और कैसे इसे हमारे देश से दूर रखा गया। हमें हमारी जेनरेशंस को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। सो अब हम इस तरह के जो सेशंस हैं उससे यही कोशिश कर रहे हैं कि इस प्लांट के साथ जुड़ी हुई जितनी भी भ्रांतियां हैं हम उन्हें खत्म करें, सो दैट हमें ये पता रहे कि ये हमारे देश का एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लांट है। सिर्फ मेडिकल पर्पस के लिए नहीं, इकोनॉमी के अकॉर्डिंगली भी अगर हम देखें, सो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमीज इसके आसपास रोटेट करती हैं क्योंकि दिस इज अ जीरो वेस्ट प्लांट। इसको हर तरह से हम यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है मिस्टर अनुराग की तरफ से कि किस रोग में ये ज्यादा प्रभावशाली है। सो अनुराग जी, देखिए ऐसे टोटल 29 डिजीज कंडीशंस हैं जिसमें ये बहुत ज्यादा यूज होता है, जिसमें हमारे ग्रंथों में इसका यूज मेंशन्ड है और क्लिनिकली ट्राइड भी है। हमारे पास ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स हैं विद सेज की इसके डिफरेंट जो फॉर्मुलेशंस हैं वो बहुत सारे डिजीजेस में काम आती हैं। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, जैसे स्किन कंडीशंस में सोरियासिस, एक्जिमा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डर्मेटाइटिस आते हैं, इवन पाइल्स में। देन जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल योर ब्रोंकियल एस्थमा, एलर्जिक एस्थमा, जो रिपीटेड डिजीज कंडीशंस हैं उसमें बहुत अच्छा यूज होता है। न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस में फॉर एग्जाम्पल देर आर मेनी सच डिजीजेस, जैसे कि एपिलेप्सी के बारे में हमने अभी बात किया, और ऐसी और भी डिफरेंट डिजीज कंडीशंस हैं जिसमें ये यूज होता है। डिफरेंट काइंड ऑफ फीवर्स में यूज होता है एंड किडनी डिजीजेस में जो रीनल पेन है, कोलिक पेन है, उसमें हम इसका बहुत यूज करते हैं। एंड आई मस्ट टेल यू कि इसके साथ में जब हम इसे पेन मैनेजमेंट के लिए और डिफरेंट डिजीजेस में यूज करते हैं तो हमें स्टीरोइड्स देने की या किसी भी तरह की पेन किलर्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है हमारे पेशेंट्स को। सो उनके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो इसके साथ एब्सोल्यूटली जीरो हो जाते हैं। हमने अक्सर देखा है कि हम कुछ एसिडिटी कंडीशंस के लिए, और आजकल ऐसी बहुत सारी न्यूज भी आ रही है कि ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं एज सिंपल एज पैरासिटामोल फॉर फीवर मैनेजमेंट, जिसको अगर हम कंट्रोल्ड फॉर्म में नहीं लेते हैं तो वो लिवर डैमेज करने का काम करती हैं। ऑल्सो वी नो कि जितने भी हम पेन किलर्स लेते हैं उसमें भी इस मेडिसिन से जो पेन किलर्स होती हैं उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। सो अगर हम धीरे धीरे उन सबको इस एक पोटेंट प्लांट बेस्ड मेडिसिन से या ऑयल से रिप्लेस करते जाएं, फ्रॉम ऑयल हेयर आई मीन द सीबीडी ऑयल और द विजया ऑयल, नॉट द हेम्प ऑयल, अगर हम उनसे धीरे धीरे इसको रिप्लेस करते जाएं, ना सिर्फ हम अपने जो क्लासिकल ट्रीटमेंट है इंडिया का, जो हमारे देश का इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ना सिर्फ हम उसे स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे बल्कि हम जो बाकी मेडिसिन से होने वाले साइड इफेक्ट्स हैं, आफ्टर इफेक्ट्स हैं, हम उनसे भी खुद को बचा सकते हैं। ये आद्या जी का क्वेश्चन है कि विमेन हेल्थ में इसके क्या बेनिफिट्स हैं। विमेन हेल्थ में आद्या जी इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। हम देखते हैं कि अगर इसके डिफरेंट पार्ट्स की अगर हम बात करें, जैसे इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द लीव्स, अगर हम सिर्फ विजया की ही बात करते हैं, विमेन हेल्थ में विजया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसे हम एंडोकेनाबिनॉइड सिस्टम बोलते हैं, जैसे एंडोक्राइन सिस्टम है जो हमारे सारे हॉर्मोन्स को रेगुलेट करता है, वैसे ही एंडोकेनाबिनॉइड सिस्टम है जो हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस का, यानी कि
बैलेंस मेंटेन करने का काम करता है, राइट? सो इसमें जो सीबीडी के जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो इसके डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशंस हैं, वो इस बैलेंस को मेंटेन करने का काम करते हैं. तो अगर हम इसे एज अ रेगुलर कंजम्पशन में लेते हैं अंडर मेडिकल सुपरविजन, ये फीमेल्स में हार्मोन रेगुलेशन बहुत अच्छे से करता है. देन हार्मोन रेगुलेशन इन द फॉर्म ऑफ जो हार्मोन इम्बैलेंस से डिजीजेस होते हैं, लाइक पीसीओडी, पीसीओएस, इवन एंडोमेट्रियोसिस, इन सब चीजों में ये एज एडजुवेंट बहुत अच्छा रोल प्ले करता है. एज अ सिंगल थेरेपी भी, अगर हम इसे इनिशियल डिजीज कंडीशंस में स्टार्ट करते हैं, तो एज सिंगल थेरेपी भी इसका बहुत अच्छा यूज है. एंड देन वी ऑल सी दैट फीमेल्स कई बार, क्योंकि आज की जो नारी है, हमारे तरह के जो लोग हैं, दे आर नॉट जस्ट मैनेजिंग देयर होम, लेकिन वो डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं. दे आर वर्किंग आउट, वो अपना बिजनेस संभाल रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, फैमिली, बच्चे, इन सब के प्रेशर में कई बार एंजाइटी कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं, कई बार डिफरेंट साइकोलॉजिकल कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं, उन सब में इसका बहुत अच्छा रोल है. सो नॉट जस्ट द हार्मोनल पार्ट, एज के साथ साथ जो फीमेल्स में डेफिशिएंसीज डेवलप हो जाती हैं, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी होता है, ये उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है. बोन रीमॉडलिंग को बहुत अच्छे से एज एडजुवेंट ये उसे बैलेंस आउट करने का काम करता है. सो दैट वेज ये फीमेल हेल्थ में बहुत अमेजिंगली काम करता है, और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखे हैं हमने क्लिनिकल प्रैक्टिस में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इससे जुड़ी जो भ्रांतियां हैं और जो डर हैं, उन्हें कैसे दूर करें. देखिए, जो डर और भ्रांतियां हैं, उनको हम एक ही तरह से यूज कर सकते हैं, कि दूर कर सकते हैं कि हम इस तरह के रेगुलर सेशंस अलग अलग प्लेटफॉर्म पे करें. एंड हमें भरोसा अपने देश के कल्चर पर ज्यादा करना चाहिए, बजाय इसके कि जो देश के बाहर किसी चीज के बारे में क्या कहा जा रहा है, उसको छोड़कर जो चीज हमारे देश में यूज होती आई है, उस पे हमें ज्यादा भरोसा करना चाहिए. एंड जब हम इसे यूज करना शुरू करेंगे, इसे अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बनाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये किस तरह से हमारी बॉडी को बेनिफिट कर रहा है नुकसान देने से ज्यादा. नुकसान, देखिए, कोई भी चीज, इवन इंटरनेट जो हम यूज कर रहे हैं, अभी हम इंटरनेट के माध्यम से ही बात कर रहे हैं, है ना? तो इंटरनेट को भी आप एज अ मोड ऑफ एजुकेशन भी यूज कर सकते हैं, और एज अ डिस्ट्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं. इंटरनेट से आप चाहें तो अपने आप को बहुत ज्यादा ऊपर भी ले जा सकते हैं, और बहुत ज्यादा समाज में गिरा भी सकते हैं, अगर आप इसका गलत इस्तेमाल करते हैं. सो सेम वेज इस प्लांट को आपको जैसे जैसे आप यूज करना शुरू करेंगे, आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स हैं, जो वैद्य हैं, उनके साथ बात करके, डिस्कशन करके, आप इसे जैसे जैसे अपने लाइफस्टाइल में, अपनी मेडिसिन के साथ में, और अपनी फूड प्रैक्टिसेस में, डेली प्रैक्टिसेस में, जैसे जैसे आप इसे यूज करते जाएंगे, वैसे वैसे ये भ्रांतियां अपने आप कम होंगी. और सबसे पहले अगर आपकी ही भ्रांतियां कम होंगी, तो आपके परिवार की भी कम होंगी, और धीरे धीरे आपको ये पता चलेगा कि इसका नाम विजया जो है, वो हमारे जो शास्त्रों में जो लिखा गया है, वो विजया ही इसका नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों को विजय करने के काम आता है, इसीलिए इसको विजया नाम दिया गया. तो वो भ्रांतियां ऐसे ही दूर होंगी. एक दिन में तो देखिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है होना, बट हमारी भी यही कोशिश है कि हम जो चीज हमारे देश से चली गई और वापस उसे किसी और तरह से वापस लाया जा रहा है, उसे हम उसी तरह यूज करें जिस तरह से वो हमारे देश का पार्ट हमेशा से रहा है. सो अगर आप उतना ट्रस्ट करके यूज करेंगे, तो ऑफकोर्स ये भ्रांतियां भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी. एग्जैक्टली, निखिल जी का ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि समाज में सबसे बड़ी भ्रांति है कि लोग क्या कहेंगे. इस पे बस मैं यही चीज कहूंगी कि लोगों का काम कहना ही होता है. तो अगर आप अपने हिसाब से, आपको पता है कि आप इस प्लांट को एक डॉक्टर के सुपरविजन में ले रहे हैं, और अगर आप इसे न्यूट्रिशनल पार्ट में यूज कर रहे हैं, सो देर इज नो सेकेंड थॉट अबाउट इट. न्यूट्रिशन के फॉर्म में आप बहुत ही अच्छी तरह से इसे यूज कर सकते हैं, और अगर आप मेडिकल सुपरविजन में यूज कर रहे हैं, तो अब देखिए लोग नशा भी करते हैं. अगर आप पार्टीज में सिगरेट्स ले सकते हैं, जिससे आपको पता है कि आपके लंग्स डैमेज होने ही होने हैं 100%, इवन सिगरेट के पैकेट पर ये संवैधानिक सार्वजनिक चेतावनी के फॉर्म में लिखा होता है कि इससे कैंसर हो सकता है,
तो अगर वो लेने से पहले कोई नहीं सोच रहा है कि लोग क्या कहेंगे कि मैं कैंसर इनवाइट कर रहा हूँ पब्लिकली, तो अगर आप भांग का कोई चीज ले रहे हैं वो तो आपको कैंसर से शायद कहीं ना कहीं बचाने का काम कर रहा है, तो उसमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। अगर कोई कुछ कहता है तो आप कह सकते हैं कि ये मेडिसिन है, आप इसे मेडिसिन के फॉर्म में यूज कर रहे हैं। अगर आप पब्लिकली, यू नो, एज अ सोशल ड्रिंकर, अगर आप अल्कोहल ले सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपका लिवर डैमेज कर रहा है, तो सीबीडी ऑयल आपके लिवर को डैमेज से प्रोटेक्ट कर रहा है। सो दिस कुड बी द बेस्ट आंसर टू दिस थिंग कि लोग क्या कहेंगे। लोग तभी कुछ कहेंगे जब उनको इसका फायदा पता नहीं है। धीरे धीरे जब पता चलेगा तो सब लोग इसे यूज ही करेंगे। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू, सिगरेट्स की जो यहाँ बात हुई, अभी ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऐसे स्मोक्स बना रही हैं जिसमें विजया की लीव्स को यूज किया जाएगा और कुछ हर्ब्स के साथ में। सो अगर आप अपनी जो रेगुलर सिगरेट्स हैं उनको इससे रिप्लेस करते हैं, अगेन मैं यहाँ स्मोकिंग के फेवर में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी स्मोकिंग को यहाँ पर प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट अगर उसे मेडिकल स्मोक के फॉर्म में यूज करते हैं, जो आयुर्वेद पंचकर्म में थेरेपी है जिसे हम धूमपान थेरेपी कहते हैं, उसको अगर आप मेडिकल स्मोक के फॉर्म में यूज करते हैं, तो इट इज वेरी गुड फॉर सीजनल कोल्ड एंड फ्लू इन्फेक्शन, वेरी गुड फॉर चेस्ट कंजेशन, वेरी गुड फॉर क्लैरिटी ऑफ ब्रेन, जिनको फ्रीक्वेंट क्लस्टर हेडेक्स की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए वो स्मोक नाक से इनहेल करना बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छा है। इसे आयुर्वेद की दिनचर्या में भी धूमपान को मेंशन किया गया है कि जो आपकी जो डेली रूटीन एक्टिविटीज हैं उनमें स्मोक इनहेलेशन होना चाहिए। हाँ, वहां पर विजया का स्मोक मेंशन नहीं है, लेकिन जो भी आपकी डिजीज कंडीशंस हैं या जो आपकी एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंगली आप अपने आपके नियर बाय जो भी आयुर्वेद फिजिशियन है, कोई अगर ट्रेडिशनल वैद्य है, उनसे बात करके आप स्मोक थेरेपी को अपनी डेली लाइफस्टाइल में ला सकते हैं। एंड यस, जो आप तंबाकू की सिगरेट्स लेते हैं उसकी जगह अगर आप हर्बल स्मोक स्टिक्स को यूज कर रहे हैं स्मोक के लिए, तो वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट कर रहा है। वो आपकी बॉडी में निकोटीन नहीं जा रहा है, वो आपके लंग्स को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, मोर ओवर वो एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, वो पैसिव स्मोकिंग के केसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है। इन दैट वेज हम देख सकते हैं उसको। थैंक यू सो मच निखिल जी। और कोई नए क्वेश्चंस नहीं है, सो और कुछ अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो प्लीज यू कैन कम फॉरवर्ड एंड आस्क। अदरवाइज फेसबुक के माध्यम से आप प्रथा आयुर्वेद के साथ कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। वी वुड बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एंड टेक अप ऑल योर क्वेरीज आपके कभी भी हो। सो वी आर ऑलवेज अवेलेबल ऑनलाइन। प्रथा आयुर्वेद का फेसबुक पेज आप देख सकते हैं या जीवन अमृत के पेज पे ही आप आपके कुछ क्वेश्चंस है तो वो डाल सकते हैं। ओके, सो अभी आई थिंक और कोई क्वेश्चंस नहीं है, सो इस सेशन को हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। और आई विल वेट फॉर द कमेंट्स। अगर आप लोगों को ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा और आप इसके बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो डेफिनेटली हम दोबारा से ऐसे सेशंस के साथ ज़रूर आएंगे जिसमें हम विजया यानी कि भांग को डिफरेंट डिजीजेस के साथ में, सिंगल डिजीज के साथ में भी उनके बारे में बात करेंगे। एंड अगर और ज्यादा आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आपकी क्वेरीज हैं, तो आप प्लीज हमसे जरूर कनेक्ट कर सकते हैं। सो अभी के लिए आई थिंक हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस एंड नमस्ते। थैंक यू।